अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं दो रेसिपी बनाने जा रही हूँ। एक अंडा गोभी का करी, करेला आलू का भुजिया। उसके लिए मैंने अंडा लिए हैं, गोभी, कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, गोलकी धनिया का पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, सरसों तेल लिए हैं। अब चलिए शुरू करते हैं और उसमें खाली परोसने का भी रेसिपी बनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले भुजिया बनाएंगे। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, गरम हो चुका है। अब भुजिया के लिए सरसों तेल डाल रही हूँ। अब तेल गरम हो चुका है, मेथी फोड़ना डाल रही हूँ। अब प्याज डाल रही हूँ। आलू करेले डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। हल्दी पाउडर, भुजिया बन के तैयार हो चुका है। इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में अंडा और गोभी का करी बनाएंगे। अंडा के लिए थोड़ा तेल डाल रही हूँ, फ्राई करूँगी। अंडा में थोड़ा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा मिक्स कर लूँगी।
अंडा फ्राई हो चुका है, इसको निकाल देती हूँ। अभी गोभी को फ्राई कर लेना है। फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेती हूँ। कढ़ी बनाने के लिए सरसों तेल डाल रही हूँ। तेल गरम हो चुका है, मेथी फोड़न डाल रही हूँ। प्याज डाल रही हूँ। प्याज भूरा हो चुका है, अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। टमाटर का मसाला डाल रही हूँ, धनिया गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा मसाला को फ्राई कर लेना है 2 मिनट तक। अब इसमें गोभी डाल रही हूँ, हल्का फ्राई कर लेना है। अंडा भी डाल रही हूँ। अब फ्राई हो चुका है, अब 1 गिलास पानी डाल रही हूँ।
ढक्कन ढक देती हूँ। अंडा को भी कढ़ी बन के तैयार हो चुका है, अब इसे उतार लेती हूँ। अब बन के तैयार हो चुका है, थाली परोसी हूँ। करेला आलू का भुजिया, अरहर का दाल, अंडा गोभी का कड़ी, देसी चावल का भात, नींबू रामी। दोस्तों ऐसे आप भी परोस के खाइएगा, बहुत ही अच्छा बना है। यकीन है आप ऐसे परोसेंगे तो कोई भी ना नहीं कहेंगे खाने के लिए। और कैसा बना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।